हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। आज हम लोग सामाजिक अध्ययन का एक नया मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें मैंने हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है। 35 क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में, जिनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और आप लोग इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिए। ये सभी क्वेश्चंस एलटी ग्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, साथ ही साथ ये 68,500 वैकेंसी के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। अन्य भी एग्जाम्स के लिए ये हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस तरह के बटन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ इसके पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। ये पार्ट 8 है, इसके पहले मैं और भी पार्ट ला चुका हूँ सोशल साइंस के, जियोग्राफी के, हिस्ट्री के, तो वो लोग आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा के लिंक से देख सकते हैं। मैंने सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है। पहला क्वेश्चन है, किसे भारत का सिराज कहा जाता है? तो जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। किसे? जौनपुर जगह है, उसी को भारत का सिराज कहा जाता है। इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो भगत सिंह का स्मारक फिरोजपुर में स्थित है। कहाँ है? फिरोजपुर में स्थित है। इसके बाद अगला थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि समूचा भारत एक विशाल बंदी ग्रह है? चित्तरंजन दास का कथन है। इसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, प्रथम शिवाजी महोत्सव का आयोजन कब किया गया? तो प्रथम शिवाजी महोत्सव का आयोजन 1896 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया? 1896 में किया गया प्रथम शिवाजी महोत्सव का आयोजन। इसके बाद अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, दस्तार बंदान कौन थे? तो ये उलेमा थे, दस्तार और बंदान ये उलेमा थे। इसका 6 नंबर क्वेश्चन है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, इसी कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा शुरू की थी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन, औरंगजेब ने बीजापुर पर विजय कब प्राप्त की थी? सन 1686 में बीजापुर पर विजय प्राप्त की थी। 8 नंबर क्वेश्चन है, गोलाकुंड को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो गोलाकुंड को वर्तमान में हैदराबाद के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद को पहले किस नाम से जानते थे? तो पहले गोलाकुंड कहा जाता था हैदराबाद को, अब इसे हैदराबाद कहा जाता है। इसका 9 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली का प्रथम वैधानिक मुस्लिम शासक कौन सा था? तो इल्तुतमिश जो था ये वैधानिक मुस्लिम शासक था पहला। इसके 10 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को कब फांसी दी गई? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर अधिक से अधिक संख्या में देते रहें, जिससे कि आप लोगों का रिवीजन होता रहेगा। तो इसलिए आप लोग आंसर ज़रूर देते रहें कमेंट बॉक्स में, आगे और भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक शासक किया? तो तुगलक वंश ने सबसे अधिक समय तक भारत पर शासन किया। किसने? तुगलक वंश ने। इसका 12 नंबर क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी में अकबर ने क्या निर्मित करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी में पंचमहल बनवाया था अकबर ने। क्या? पंचमहल बनवाया था। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। और कहाँ स्थित है? पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इससे आपके 3 तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, आप इन तीनों तरह के क्वेश्चंस को देख लीजिए, पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। इसका 13 नंबर क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर के रूप में किसे कहा जाना जाता है? तो यानी कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। क्या नाम है? जैनुल आबदीन नाम है इनका। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, कौन भारत का वायसराय सबसे अधिक समय तक रहा? तो लॉर्ड कर्जन जो था ये भारत का वायसराय सबसे अधिक समय तक रहा। क्या नाम है? लॉर्ड कर्जन। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट जो थी ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, एनी बेसेंट। इसका 16 नंबर क्वेश्चन है, पूना समझौता कब और किनके मध्य हुआ? तो ये 1932 में गांधी जी और अंबेडकर के मध्य हुआ था पूना समझौता। पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर के मध्य हुआ था। इसका 17 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? कांग्रेस समाजवादी पार्टी की, तो इस सन 1934 में की गई थी कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना, और किसने की थी? जयप्रकाश नारायण ने, मीनू मसानी ने और आचार्य नरेंद्र देव ने मिलकर की थी। जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और आचार्य नरेंद्र देव, इन तीनों ने मिलकर 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें वैष्णव कहा जाता है, रामानुज के अनुयायियों को। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब और किसने की?
सन 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1936 में की थी। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और मैंने बुक से ढूंढ कर लिखे हैं, जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे, मैंने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को लिखा है। तो ये क्वेश्चन एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, साथ ही साथ जो अभी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला उसके लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, और 68500 वैकेंसी के लिए तो है ही इम्पॉर्टेंट। उसके लिए मैं और भी वीडियोज़ ला चुका हूँ, एलटी ग्रेड के भी मैं और भी वीडियोस ला चुका हूँ। अगर आपने ना देखी हो अभी तक तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर मेरे वीडियोस में जाके आप लोग उसके पास में प्लेलिस्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग एक एक करके मेरी सभी वीडियोस देख सकते हैं। इसका 20 नंबर क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार कर लीजिए और आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक हमें जरूर देते रहें। इसका 21 नंबर क्वेश्चन है, शिमला समझौता किस गवर्नर जनरल की योजना पर आधारित था। तो वेवेल के योजना पर आधारित था, वेवेल गवर्नर जनरल था, इसकी योजना पर आधारित था शिमला समझौता। इसका 22 नंबर क्वेश्चन, तैमूर लंग ने कब भारत पर आक्रमण किया। तो सन 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। कब किया था, 1398 में किया था। किसने किया था, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। इसका 23 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो ये सुरकोटड़ा से मिले हैं, सुरकोटड़ा जगह है जहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता पाई गई, वहाँ से घोड़े के अवशेष मिले हैं। इसके बाद अगला 24 नंबर क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन कब भारत आया। तो सन 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। कब आया, क्रिप्स मिशन 1942 में भारत में आया था। इसका 25 नंबर क्वेश्चन, नागार्जुन कौन था। तो नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक था। कौन था, नागार्जुन का नाम आप लोगों ने सुना होगा भारतीय इतिहास में, तो ये बौद्ध दार्शनिक था नागार्जुन। और दोस्तों आपको साथ ही साथ मैं बताता चलूं, मैंने 68500 वैकेंसी के लिए एक बुक तैयार की है जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं 68500 वैकेंसी से रिलेटेड। लगभग आपको उसमें 2000 से अधिक क्वेश्चन मिलेंगे, 12 सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट पर आधारित आपको क्वेश्चन मिलेंगे उसमें। तो सब कुल मिलाकर जो क्वेश्चन बने वो लगभग 2000 से अधिक क्वेश्चन हैं। यदि आप लोगों को ये बुक चाहिए हो तो आप लोग मेरे नंबर 8004562822 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं या मुझे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ये बुक आपके एड्रेस पर बाई पोस्ट भेज दी जाएगी। इसके लिए आपको 500 रुपये का पेमेंट करना है। 500 रुपये का पेमेंट आप लोग पेटीएम के माध्यम से कर सकते हैं या आप लोग मेरे बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। अकाउंट डिटेल आपको मैं व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा या मैसेज के माध्यम से भेज दूंगा। आप लोग मुझे कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर बता चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप लोग मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको पूरी डिटेल साथ में सैंपल भी दिखा दिया जाएगा बुक का। यदि आपको चाहिए हो तो जल्द से जल्द संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि बुक पहुंचने में लगभग 3 से 4 दिन लग जाते हैं। मैं बाई पोस्ट के माध्यम से बुक सेंड कर देता हूँ। कई लोग कह रहे थे कि पेमेंट करने के बाद आप बुक भेज देंगे या नहीं भेजेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं, मैं 500 रुपये के लिए ऐसा नहीं करूँगा। तो आप लोगों को यदि बुक चाहिए हो तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर, वह गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ये गुप्त वंश के राजा थे। इसका 27 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस वर्ष पृथक पाकिस्तान की मांग रखी। तो सन 1940 में मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग रखी थी। कब, 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को अलग करने की मांग रखी थी। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का मंत्र किस आंदोलन के समय दिया था। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया था। तो इससे आप लोगों के अब 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो करो या मरो का नारा किसने दिया था, ये महात्मा गांधी ने दिया था। किस आंदोलन के अंतर्गत दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, गांधी जी ने प्रारंभ किया था। तो ये आपके 3 क्वेश्चन इससे बन रहे हैं। आप लोग इस तरह से एक क्वेश्चन याद कर लेंगे, आपके 3 क्वेश्चन तैयार होते रहेंगे। आप लोग एक एक के सभी क्वेश्चन तैयार करते रहे। इसका 30 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ये आज का अंतिम क्वेश्चन है जिसका
आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। मैं आपसे तीन क्वेश्चन पूछ चुका हूँ, तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दें, अधिक से अधिक संख्या में अपने आंसर ज़रूर देते रहें, जिससे कि आप लोगों का रिवीजन होता रहेगा, साथ ही साथ मुझे पता चलता रहे कि आप लोगों की कैसी तैयारी चल रही है। आप लोग वीडियो जिस समय नहीं देख रहे हैं ज़्यादा, वीडियो देखना प्रारंभ कर दिए और अपनी पढ़ाई प्रारंभ रखिए, क्योंकि आप लोग मान कर चलिए जून तक आपका एग्ज़ाम 110% हो जाएगा। आप लोग ये मत सोचिए एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए अपनी तैयारी अच्छे से अच्छे करते रहिए, जिससे कि आपका रिवीजन होता रहे आपको। नहीं तो अंत में आप लोगों को यही कहना पड़ेगा कि तैयारी नहीं कर पाए, समय नहीं मिल पाया। अब आप लोगों को इतना समय मिला है तो आप लोग उसे अच्छे से यूटिलाइज़ करिए। इसके बाद थर्टी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन अशोक के स्तंभ के लिए किस स्थान से पत्थर लाया जाता था? तो ये चुनार का पत्थर, चुनार जगह थी वहाँ से पत्थर लाया जाता था अशोक के स्तंभ के लिए, कहाँ से? चुनार से लाया जाता था पत्थर। इसका 32 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा था? तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ था, जो कि यूरोपीय भाषा में अनुवादित किया गया था, भारतीय ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है, गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे? तो लंदन में आयोजित किया गया था गोलमेज सम्मेलन। इसका 34 नंबर क्वेश्चन, हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका का संपादन किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था हरिजन पत्रिका का संपादन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। इसका 35 नंबर क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन, हितोपदेश के लेखक कौन है? तो हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हैं। कौन है? नारायण पंडित हैं हितोपदेश के लेखक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लीजिए, और मैंने जो जो क्वेश्चन बताए सभी को तैयार कर लीजिए, जो आपको आंसर देने कमेंट बॉक्स में अपने आंसर देते रहिए। और यदि आपको बुक चाहिए तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही प्रेरणा मिलती है, मनोबल मिलता है, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। और साथ ही साथ दोस्तों, सभी अपने फ्रेंड के साथ, सभी ग्रुप्स में इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करना ना भूलें, ज़रूर शेयर कर दें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल सफलता मंत्र। थैंक यू दोस्तों।